चलो देख लीजिए, आज का क्वेश्चन है डिराइव रेडबर्गस फार्मूला। डिराइव रेडबर्गस फार्मूला फॉर ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम। देखो क्वेश्चन बेटा, आप लोग लिखो नहीं और भी सिर्फ समझो। डिराइव रेडबर्ग फॉर्मूला फॉर ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम। एक फॉर्मूला है जो हमने निकाली हुई है कल, आप लोगों ने देखा भी होगा, दैट इज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जिसमें मैंने एनर्जी, जब मैंने एनर्जी निकाली ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, जमानी याद रखो, दैट इज इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो मैंने निकाली, आप लोग देख सकते हो, आप लोगों ने आज का जो काम किया होगा इसमें मैंने वो वैल्यू लगा के निकाला था। ये एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं, इनको रख कर निकाला करो एक बार, तुम लोग निकालते हैं। अब इसी से निकलेगी डिराइव रेडबर्ग फार्मूला, रेडबर्ग फार्मूला फॉर ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइट्स। बिल्कुल इजी, तभी जबानी याद होगी आधे घंटे। सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, वी नो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोन स्टेशनरी ऑर्बिट इज गिवन। कैसे लिखोगे पहला, वी नो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोन स्टेशनरी ऑर्बिट इज गिवन। दैट इज, इधर देख लीजिए अच्छी तरीके से, E इज इक्वल शाबाश -2π² m k² z² e raised power 4 upon n² h². This is equation number first. Why? m is mass of electron which is revolving around the nucleus in circular orbit. K is constant, autonomous constant, and its value is 9 × 10⁻⁹. Then Z is atomic, E is charge of an electron which is equal to 1.6 × 10⁻⁹ coulomb. And H is Planck's constant, its value is 6.6 × 10⁻³. पता है ना, सारे वैल्यूज आप लोगों को पता है, लेकिन इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट देख लीजिए। देखो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूं, अकॉर्डिंग टू बोर्स फिफ्थ पोर्शन, अकॉर्डिंग टू बोर्स वो मैं थोड़ा सा यहां पर रिवाइज करूंगा आप लोगों के लिए। अगर इट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के अराउंड दिस इज सेकेंड ऑर्बिट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पर है, सेकेंड ऑर्बिट में n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, दिस इज सेकेंड ऑर्बिट। रेड का इधर देखो, दिस इज सेकेंड ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट पर इसकी एनर्जी है E2, when the electron is in second orbit, the energy of the electron is represented by equal to, koi problem to nahi, kya maine bola, when the electron is revolving in second orbit its energy is E2, theek hai। If the electron is revolving around the nucleus in first orbit, then its energy is E1, its energy is E1। H और ये मैंने पढ़ाया हुआ है फिफ्थ पोस्टुलेट।
when an electron jumps from any higher orbit to lower orbit, it loses energy. When it loses energy, in the form of discrete packets or bundles called photons. जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पर, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज किस में? इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स आर बंडल्स, दैट पैकेट्स आर बंडल्स इज कॉल्ड फोटॉन्स. द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय E इज इक्वल टू h nu. बिल्कुल ठीक. E इज इक्वल टू h nu. E इज इक्वल टू h nu, वेयर h nu इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन. वेयर इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन? आप लोगों को एक दो दिन लगेंगे एडजस्ट होने में, फिर आप लोग कंटिन्यू इसी तरीके से बताओगे. वेयर इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन? इज इक्वल टू h nu. h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, nu इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन. nu इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन. शाबाश. इस पर अलग अलग एनर्जी होती है, इस पर अलग एनर्जी. मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, ये एनर्जी नहीं होती है. एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि मुझे एनर्जी निकालनी है आगे, एनर्जी लेवल डायग्राम वो मैं निकाल के दूंगा. लेकिन मान लीजिए इस पर एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये नहीं है, लेकिन समझाने के लिए इसका, इधर देखो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये मोबाइल नहीं है आप लोगों का, जहां मर्जी है मोबाइल आप पास रखा है मिले गए. इस पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या है? और जब इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट है, मान लीजिए इसकी यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी. अब देखो इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है? 10 इलेक्ट्रॉन. इनर ऑर्बिट में कितनी है? आप सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहाँ से कहाँ? सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में. इसको घूमने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कितनी? 4. इसके पास है कितनी? 10 इलेक्ट्रॉन. तो इसका मतलब ये लूज कितनी करता है? 6. हाँ, वो 6 कहाँ जाएगी? बाहर आएगी. इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, हाँ, इट लूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. कौन? लक्ष्य बताओ. इलेक्ट्रॉन. व्हेन इट जंप्स फ्रॉम higher orbit to lower orbit, then it loses energy in the form of photons, which is equal to the or h nu. किसके बराबर होगी? Difference of the two energy levels, difference of the two energy levels. That is शबाश. E2 minus E1 is equal to h nu. E2 minus E1 is equal to h nu. This is called the Bohr's fifth postulate. This is called the Bohr's fifth postulate. ये Bohr's fifth postulate है. An electron revolving around the nucleus does not lose energy continuously. It loses energy in the form of discrete packets or called photons. If the electron jumps from any higher orbit having energy E2 to the lower orbit having energy E1, if then the difference of the two energies is given by E2 minus E1 is equal to h nu. इसको बोलते हैं कौन सा postulate? कौन सा postulate? ठीक है बेटा, आप हमें निकालना है Heisenberg का formula. देखो अब तो कोई मुश्किल नहीं, जरा आप लोग देख लीजिए. अगर फर्स्ट ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है किसमें? तो उसके लिए n is equal to n1 लिखा मैंने. क्या लिखा? क्या लिखा बेटा? एनर्जी क्या होगी? E is equal to E1 किसमें? Then equation first is represented as. कौन बताएगा? आप लोगों को लास्ट में दिखाई देता है वहां से बेटा कि नहीं? फिर आगे आ जाओ अगर नहीं दिखाई देता, तो वो टूल रख सकते हो और बैठ सकते हो आराम से अगर नहीं दिखाई दे. इधर देखो, जब फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा इलेक्ट्रॉन, इसकी वो ऑर्बिट क्या रिप्रेजेंट किया मैंने? N1. क्या किया? N1 रिप्रेजेंट किया. एनर्जी क्या मानी इस ऑर्बिट में? E2. शाबाश. जब सेकंड ऑर्बिट में घूमेगा N2 और E2. ठीक है, शाबाश. चलो पहले हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं. फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब लोअर ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट से बेहतर लिखना है लोअर ऑर्बिट, क्योंकि लोअर ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है. सेकंड और थर्ड लेवल हो गया, थर्ड और फोर्थ लोग, ये अपनी मर्जी. अच्छा, लोअर ऑर्बिट के लिए
शाबाश बना दीजिए फॉर्मूला E1 is equal to शाबाश बिल्कुल माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर सेट स्क्वायर ई अपॉन शाबाश बोलो N1 का स्क्वायर फिर दिस इज इक्वेशन नंबर कोई परेशानी तो नहीं राहुल समझ आया शाबाश अनी हायर ऑर्बिट हायर ऑर्बिट के लिए यही इक्वेशन लिखो शाबाश बोलो N इज इक्वल टू N2 शाबाश E इज इक्वल टू बना फार्मूला E2 इज इक्वल टू शाबाश माइनस 2 पाई स्क्वायर फिर M K स्क्वायर Z स्क्वायर E रेज पावर 4 अपॉन N2 का स्क्वायर शाबाश S स्क्वायर दिस इज इक्वेशन नंबर दिस इज द एनर्जी इन हायर ऑर्बिट दिस इज द एनर्जी इन लोअर ऑर्बिट शाबाश अकॉर्डिंग टू मोरिस क्या है मैं लिखूंगा एच न्यू इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन उससे क्या फर्क है शाबाश अकॉर्डिंग टू बोर्स फिफ्थ पॉस्टुलेट एच न्यू इज इक्वल टू शाबाश बोलो बोलो ई टू माइनस ई टू माइनस नहीं याद होगा नहीं कर पाओगे क्वेश्चन ये लिखना है आपको याद करना है अकॉर्डिंग टू बोर्स फिफ्थ पॉस्टुलेट एच न्यू इज इक्वल टू ई टू माइनस दिस इज इक्वेशन नंबर दिस इज इक्वेशन नंबर बिल्कुल ठीक ये इक्वेशन नंबर 4 है आप कहां से लाओगा E1 और E2 का वैल्यू सेकंड और यूजिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन देखेंगे क्या बनेगा काम तो इसमें करना है ये सब्स्टिट्यूशन तो लगानी है शाबाश अच्छी तरीके से करके बता दीजिए बोलो 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 H new is equal to H new is equal to E2 माइनस टू पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज पावर 4 अपॉन N2 का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 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 ये माइनस और ये फॉर्मूला का माइनस 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 शाबाश क्या आएगा पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज पावर 4 अपॉन बोलो 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 जल्दी N1 का स्क्वायर H पॉजिटिव वाली को रूप पहले लिखो नेगेटिव वाली बाद क्या करना शाबाश शाबाश फटाफट H new is equal to 2 पॉजिटिव वाली पहले नेगेटिव वाली बाद 2 पाई स्क्वायर M A स्क्वायर Z स्क्वायर E रेज पावर 4 अपॉन N1 का स्क्वायर H स्क्वायर माइनस बोलो बोलो 2 पाई स्क्वायर M A स्क्वायर Z स्क्वायर E रेज पावर 4 अपॉन N2 का स्क्वायर H स्क्वायर ठीक है शाबाश निकालो काम बैठ चल 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर और इसे फॉर 4 और इसको और इसका स्क्वायर बाहर निकल जाएगा बेटा कि नहीं शाबाश कॉमन निकाल दीजिए सिर्फ रहेगा n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर हो गया 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर z स्क्वायर ई रेज पावर 4 अपॉन h स्क्वायर h स्क्वायर समझ आया यहां पर ऐसे ब्रैकेट 1 अपॉन N1 का स्क्वायर क्योंकि डिनोमिनेटर में टर्म है माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर बिल्कुल ऐसे कोई परेशानी तो नहीं समझ आया एच को नीचे लाओ एच को नीचे लाओ न्यू इज इक्वल उन लोगों को न्यू और वी में फर्क नहीं है जानते वी के बजाय न्यू लिखते हो न्यू के जगह न्यू लिखते हो ये न्यू कंप्यूटर में ऐसे ही आता है थोड़ा सा डिफरेंस है वी और तो वो तो आपको जाननी चाहिए ना तुम लोग वी के बजाय न्यू लिखते हो न्यू के बजाय वी लिखते हो न्यू थोड़ा फर्क है वी थोड़ा फर्क है
याद रखना, वी ऐसे लिखा होता है उसमें, ऐसे होगा, न्यू होता है ऐसे कंप्यूटर में। तो ये याद रखना आपको, वी और न्यू में फर्क जानना है। न्यू एच को नीचे लाओ, टू बिल्कुल ठीक, एच क्यू शाबाश। वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक, कोई परेशानी तो नहीं, शाबाश। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, there is a relation between velocity of light and frequency. याद है किसी को बेटा? बिल्कुल सिंपल रिलेशन हम करते आ रहे हैं। velocity of light relation, velocity of light is represented by c, c is equal to, बोला है एक बार नहीं दो बार नहीं यूज किया, शाबाश। do we know न्यू सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, है रिलेशन, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सी एंड लैम्डा, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू लैम्डा, इसका इस फार्मूला में न्यू किसके बराबर आएगा? बोलो, न्यू किसके बराबर आएगा इसमें? न्यू इज इक्वल टू इस फार्मूला के बेसिस पर सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा, बिल्कुल ठीक, सी अपॉन लैम्डा यहाँ पर आएगा। ये न्यू के बजाय क्या लिखेंगे? सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, फॉर्मूला याद रखनी, सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू शाबाश, बाकी तरफ नहीं तरह टू पाई स्क्वायर एम ए स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज पावर अपॉन एच क्यूब, ब्रैकेट में क्या आएगा? शाबाश, वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर, फॉर्मूला बन रही है। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं? बोर्ड पे मुझे बिठाना है, वरना दूसरी बार भी समझाना पड़ेगा मुझे। तुम लोग मुझे बताओ, यहां से यहां तक कहीं पर भी प्रॉब्लम है मैं दोबारा समझा, ठीक है? यहां से समझ आया कि नहीं? कर सकते हो आप भी? अच्छी तरीके से समझ लीजिए, कहीं पर डाउट नहीं रहना चाहिए। वन अपॉन लैम्डा, वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू वा, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेव नंबर। द नंबर ऑफ वेव इज प्रोड्यूस्ड पर सेकंड या पर यूनिट लेंथ, पर सेकंड द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट लेंथ या द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। व्हाट इज वेव नंबर? द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इट इज कॉल्ड वेव नंबर। न्यू बार क्या है? वेव नंबर। न्यू बार इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, न्यू बार इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं? न्यू बार इज कॉल्ड वेव नंबर, डिफाइंड वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट, पर यूनिट एक यूनिट लेंथ में कितने वेव्स प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर का यूनिट होता है क्या होगा? वेव नंबर का क्या यूनिट होगा? वेव नंबर का, वेव लेंथ का मीटर,
मीटर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? मीटर इनवर्स। क्या होता है इसका यूनिट? मीटर इनवर्स। वेवलेंथ का मीटर तो ऊपर जाएगा, मीटर तो क्या बनेगा? मीटर इनवर्स। शाबाश। वेव नंबर यहां पर लगाओ, बोलो बोलो, न्यू बार इज इक्वल टू पाई स्क्वायर m a स्क्वायर z स्क्वायर e पावर 4 अपॉन c h cube इनटू 1 अपॉन n 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n 2 का स्क्वायर। मुश्किल है? मुश्किल है? हाँ, देखो क्या करूंगा। न्यू बार इज इक्वल एक r z स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। वाई आर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एम ए स्क्वायर ई रेज पावर 4 अपॉन। बेटा एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये इतनी बड़ी रिलेशन है लेकिन एक भी चीज इसमें वेरिएबल नहीं है, सारे कांस्टेंट। इसको पढ़ो, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, ए 9 रेज पावर 9 इज कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, प्लैंक इज कांस्टेंट इज आल्सो। इसलिए आर क्या है? कांस्टेंट। आर क्या है? कांस्टेंट। एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रेडबर्ग कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं? रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट। शाबाश। एंड इट्स वैल्यू इज 1.097 इनटू 10 रेज पावर 7 पर मीटर। पर मीटर हो गया मीटर वर्स। रेडबर्ग का, रेडबर्ग का कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1.097 इनटू 10 रेज पावर 7। आप लोग मुझे बताओ अब फार्मूला क्या कहां तक पहुंचेगा? न्यू इज इक्वल टू, शाबाश, न्यू बार इज इक्वल टू, बोलो फटाफट, न्यू बार इज इक्वल टू, शाबाश, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन 1 का स्क्वायर माइनस एन 2 का